दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई हॉबीज गार्डनिंग में। और आज हम अपने जो प्लांट्स मेरे सूख रहे हैं, जिनके फ्लावर्स सूख रहे हैं, हम उनके बारे में आपसे हम बात करने जा रहे हैं कि हमें नेक्स्ट वर्क क्या करना है अपने गार्डन में अपने प्लांट्स के फूलों के साथ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने अभी आज मैंने ये फूल जो है कट किए हैं। ये देखिए, ये हमारे कैलेंडुला का फूल है, इसीलिए इसको मैंने बिल्कुल ऐसे एडजस्ट रखा ताकि आप लोगों की समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्योंकि हमारे न्यू गार्डनर भी हैं जिनको इस तरह से सूखा फूल अगर कहीं दिख जाता है तो वो अपने ले आएंगे गार्डन में ऐड करने के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए उनको आराम हो जाएगी, ढेर सारे एक ही फूल से ढेर सारे प्लांट्स उनके तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए, सूरजमुखी का फूल है, और सूरजमुखी का तो अभी सीजन है, कहीं भी सूखा फूल मिल जाए या आपके गार्डन में ही फूल सूख गया है तो उससे बीज निकाल के आप डाल दीजिए आपके गार्डन में, और भी सूरजमुखी के प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। ये बीज बहुत मोटे मोटे हैं, खूब बड़े साइज़ में, क्योंकि ये वाला गुड़हल हाइब्रिड वाला गुड़हल है, इसमें फूल जो है बड़े साइज़ का आता है। ये देखिए कितना बड़ा साइज़ है इसका। इस साइज का मैंने कट किया है ताकि ये बीज जो हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये बीज हैं, ये बाहर आ जाएं। और ये हैं हमारे फ्लॉक्स के फूल जो बिल्कुल सूख गए हैं, तो इनको हम अच्छे से सेव करेंगे ताकि हमें नेक्स्ट ईयर फिर से प्लांट तैयार हो जाएं। क्योंकि इस साल मैंने ऑनलाइन शीट्स ऑर्डर किए थे, ये ऑनलाइन मैंने मंगाए थे ये सारे, तो मैंने इनको मैंने ग्रो किया हुआ है। जीनिया भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो जीनिया इसीलिए हमारे बहुत जल्दी तैयार हो गए, उनमें फूल भी आ रहे हैं। और ये देखिए, ये हैं डेजी के फूल, डेजी के भी प्लांट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो ये देखिए बिल्कुल सूख के ब्राउन ब्राउन हो गया है। ये देखिए, जब इस तरह से हो जाए तो आप इनको तोड़ के रख लीजिए, और बीज को किसी एयर टाइट पॉलीथीन में रखिएगा। पॉली बैग आती है छोटी छोटी एयर टाइट वाली, जिप लॉक होती है उनमें, उसमें रखिएगा, क्योंकि जब बरसात होगी तो ये नम हो जाएंगे और सीड्स बेकार हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा है तो वो राख में डाल, थोड़ी सी राख डाल लीजिएगा, उसमें डाल के जिप लॉक वाली पॉलीथीन में आप लोग इनको रख दीजिएगा, तो सेफ्टी से रखे रहेंगे, नेक्स्ट ईयर आपके काम आएंगे। आपको पेड़ नहीं खरीदने होंगे, बीज नहीं खरीदने होंगे, तो आपको फ्री में ढेर सारे प्लांट्स भी मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, ये देखिए, ये पॉपी प्लांट का जो फ्लावर होता है, ये देखिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए पॉपी वाला जो है ना, नहीं ये पेपर फ्लावर जो है, ये पेपर फ्लावर है, ये जो खलखल की आवाज़ आती है पेपर फूल में आती है, ये वही है। और ये इसके शीट्स हैं, देखिए ये मैं अगर अभी मैं नहीं, अगर इनको मैं हटाती तोलती, ये आप देख रहे हैं जैसे बुढ़े के बाल लोग बोलते हैं, छोटे पे हम लोग बोलते थे बुढ़िया के बाल आ गए, ये उसी टाइप से ये शीट्स हैं, इसके पेपर फ्लावर के ये शीट्स हैं। अगर इनको टाइम से नहीं तोड़ा तो ये सारे इसी तरह से निकल के हवा में उड़ जाते हैं इधर उधर, फिर हम इनको जो है कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब फूल बिल्कुल सूख जाए, देखिए इस टाइप से हो जाए, तो हमें इस फूल को डाल में से काट लेना चाहिए, नहीं तो ये देखिए उड़ रहे हैं सारे बीज, ये देखिए अपने आप ही इसमें से बाहर आ गए हैं। और आपको दिखाते हैं डॉग फ्लावर के बीज, ये देखिए ये डॉग फ्लावर है, देखिए डॉग फ्लावर ये है, इसके अंदर ही शीट्स हैं, देखिए ऊपर, ये देखिए दो आँखें और नाक, सब वैसा ही शेप है इसमें, ऐसे दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए हैं ऊपर दो आँखें हैं और नीचे मुंह है डॉग फ्लावर, इसी के अंदर शीट्स हैं, ये देखिए शीट्स, ये देखिए ब्लैक ब्लैक, इतने छोटे छोटे शीट्स होते हैं डॉग फ्लावर में, और
इस टाइप से होते हैं। ये मैंने दो आज निकाल लिए हैं, मुझे दिख गए तो और भी होंगे तो मैं देख लूँगी। अब मैं इसको उठा के एक डिब्बी में मैं ये सारे बीज रख दूँगी, वरना ये जो है सारे उड़ जाएंगे ऐसे ही। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, ये देखिए फूल मेरे कॉस्मोस में सूख रहे हैं, लेकिन मैंने इन्हें कट नहीं किया है। और तो मैं पेड़ रोज़ के रोज़ ही मैं फूल सूखे हटाती रहती हूँ, लेकिन इनको नहीं हटाया है। कि मैंने क्यों नहीं हटाया है वो भी बताती हूँ, क्योंकि इन्हीं को मैं सूख जाएंगे तो फिर से मैं तोड़ के इनको मैं गमले में डाल दूँगी, उससे मेरे पास और भी ज़्यादा कॉस्मोस के प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। ये देखिए सूख गया है, और ये तो बिल्कुल ही सूख गया है, इसकी सारी लीव्स भी झड़ गई हैं, पर ये जब बिल्कुल अच्छे से ब्राउन से हो जाएंगे तब मैं इनको निकालूंगी। और वैसे तो ये मैं 10-10 रुपीज़ के ही लाई हूँ, बट जब हम 10-10 रुपीज़ के भी अगर हम 10 प्लांट लेंगे तो भी हमारे 100 रुपये तो हो गए ना। जब हम एक साथ कोई चीज़ ऐड करते हैं क्वांटिटी तो हमारी वो ज़्यादा ही हो जाती है, तो हमें गार्डनिंग भी करनी है और थोड़ी सी मतलब किफ़ायत भी देखनी होती है। तो इस तरह से हम अपने गार्डन में ढेर सारे प्लांट्स कॉस्मोस के तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए जरेनियम के फ्लावर्स हैं, ये वाला बंच मेरा सूख गया है पर मैंने इसको कट नहीं किया है, और देखिए ऊपर के ये बिल्कुल ब्राउन ब्राउन भी हो गए हैं, पर ये मैं सोच रही पूरे के पूरे ये ब्राउन हो जाए फिर मैं इसको मैं पूरा ऐसे बंच कट करके मैं सेव कर लूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कटिंग नहीं ग्रो होती है, किसी किसी के हाथ से कटिंग ग्रो नहीं होती है तो वो ये शीट्स का उपयोग कर सकते हैं। और ये अगर आप ये कॉस्म ये पर्सलिन अगर लेके आएँ तो इनकी अभी से ही कटिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगा लीजिए। ये देखिए सारे फ्लावर्स खिल गए हैं, इनको सबको भी हमें अभी हटाना है, तो ये मैंने थोड़े थोड़े लगा भी दिए हैं जिससे कि हमारे पास और भी ढेर सारे हो जाए। और दिखाते हैं ये देखिए जीनिया है, जीनिया भी फूल से ही ग्रो हो जाता है, जीनिया के फूल सूख जाएं तो इनको आप फिर से गमले में कहीं पे मिट्टी में डाल दीजिए और ये सूख के फिर से बीज बन जाते हैं और प्लांट्स बन जाते हैं। ये देखिए इनको भी हमने हटाया नहीं है, क्योंकि इनको भी हमें ऐसे ही ग्रो करना है, हम चाहते हैं मेरे पास ढेर सारे फूलों वाले गर्मियों में प्लांट हो जाएं, इसीलिए हम ये सब तैयारी कर रहे हैं, फूलों को नहीं अभी हटा रहे हैं। और अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।